स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन एग्जांपल की हेल्प से कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लॉग वैल्यूज़ और एंटी लॉग वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होती है। सर, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, उसमें एक्स की वैल्यूज़ दी है 173, 182, 75, 5.8, 0.08, 0.8974। ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। सपोज़ कीजिए इसमें आपको अब ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन का मैंने फार्मूला बताया था आपको, एंटी लॉग ऑफ ब्रैकेट सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। एन तो नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ आइटम यहाँ पर है 7। अब सिग्मा लॉग एक्स आपको कैलकुलेट करना होगा और उसके लिए लॉग एक्स कैलकुलेट करना होगा, मीन्स ये जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ है इन सब की लॉग वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि लॉग वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉग वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि लॉग वैल्यू के दो पार्ट होते हैं। डेसिमल के पहले वाला पार्ट कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स और डेसिमल के बाद वाला पार्ट कहलाता है मेंटिसा। तो डेसिमल के पहले वाला पार्ट होता है वो बाय ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट होता है, जैसे कि 3 डिजिट की संख्या है तो उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 2। 2 डिजिट की संख्या है तो उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक्स 1। 1 डिजिट की संख्या है तो उससे एक कम 0 कैरेक्टरिस्टिक्स। और यदि डेसिमल में वैल्यूज़ है तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 12 में। अब उसके लिए क्या नियम है, डेसिमल के बाद में यदि 1 भी 0 नहीं है तो 1 बार, डेसिमल के बाद में यदि 1 0 है तो 2 बार, मतलब एक बड़ा कर, डेसिमल के बाद जितने जीरो उससे एक बड़ा कर 12 में संख्या आएगी। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखिए इस एग्जांपल में सबसे पहली एक्स की वैल्यू है 173। अब 173 की लॉग एक्स वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ 3 डिजिट की संख्या है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 2। इस तरह से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेंगे हम पहले डेसिमल के पहले वाले, जैसे 182 है अगेन 3 डिजिट की संख्या है कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 2, फिर 75 2 डिजिट की संख्या तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 1, फिर 5 1 डिजिट की संख्या है तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 0, फिर 0.8 ये डेसिमल में वैल्यूज़ है, डेसिमल के बाद में 1 भी 0 नहीं है तो 1 बार, फिर 0.08 डेसिमल के बाद में 1 0 है तो बार 2, और इसी तरह से नेक्स्ट है 0.8974 डेसिमल के बाद में 1 भी 0 नहीं है तो 1 बार। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स निकल जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है मेंटिसा कैसे निकलेगा, डेसिमल के बाद वाली संख्या, तो उसके लिए ये ध्यान रखें बुक्स में आपको स्टैटिस्टिक्स की सारी बुक्स में पीछे लॉग टेबल दी हुई है, लॉगरिथमिक टेबल, उस लॉग टेबल से मेंटिसा फाइंड आउट किया जाएगा। कैसे करना है, जैसे पहली संख्या 173 है तो आप लॉग टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें देखेंगे 17, कितना देखेंगे 17, और फिर ऊपर वाले जो कॉलम है उसमें देखेंगे 3, मतलब 17 में 3 देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2380। तो आप देखिए 173 का मेंटिसा कितना लिखा 0.2380। इसी तरह से जैसे 182 है तो आप क्या करेंगे 18 में 2 देखेंगे। अब जैसे 75 है तो क्या करेंगे 75 में आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा कर देखना है, 75 में 0 देखेंगे। जैसे 5 है तो 50 में 0। अब यहाँ मेंटिसा ध्यान रखना इरेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल वैल्यूज देखा जाएगा। अब जैसे 0.8 भी है तो आपको सिंपली 80 में 0 देखना है तो वो 9031 आएगा। अब जैसे चाहे 0.08 भी है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ डेसिमल पॉइंट देखना है, मीन्स 80 में 0,
तो वो 0.9031 ही आएगा। इस तरह से log x वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उसकी टोटल करेंगे, सिग्मा log x आएगा, वो आ रहा है 5.8314। अब इसको जीएम के फॉर्मूले में रखेंगे, एन टी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। नाउ जीएम के फॉर्मूले में रखने पर अल्टीमेटली वैल्यू आती है एन टी लॉग ऑफ 0.8331। अब इस वैल्यू का आपको एन टी लॉग देखना है। अब एन टी लॉग कैसे देखना है, उसके लिए ध्यान रखना बुक्स में पीछे आपको एन टी लॉग टेबल दी हुई है, एन टी लॉग टेबल देखेंगे। और एन टी लॉग के लिए हमेशा ध्यान रखना डेसिमल के बाद वाली संख्या को ही कंसिडर करना है। जैसे यहाँ है 0.8331, तो आप टेबल के अंदर क्या देखेंगे, 0.83 में 3 देखेंगे। जो भी वैल्यूज आएगी उसमें आगे लास्ट में डिफरेंस के कॉलम्स हैं वहाँ 1 देखेंगे, तो उसमें जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे तो वो आती है 681। कितनी आती है, तो 681 लिख देंगे। और उसके बाद डेसिमल उसके अंदर आपको लगाना है, कैसे लगाना है, यहाँ देखो एंटी लॉग जिसका ले रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है 0.8331, तो 0 है तो एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा, मतलब 6 के बाद में डेसिमल लगा दोगे तो वैल्यू क्या हो गई, 6.81। मान लो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ होती 1, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते, मतलब 68.1 हो जाती। तो इस तरह से एंटी लॉग वैल्यूज़ कैलकुलेट की हमने, तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन आ गया 6.81। थैंक यू।